हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैथ्स ट्रिक के फर्स्ट चैप्टर अपन शुरू करते हैं, नंबर्स यानी अंक। अंक गणित से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उनके बारे में। तो फर्स्ट अपन देखते हैं स्क्वायर्स, वर्ग। वर्ग एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चैप्टर है, वर्ग आते हैं। तो कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, स्क्वायर पूछे जाते हैं, जिसमें हमारे पास समय बहुत कम होता है और हमें जल्दी से जल्दी जो है आंसर देना होता है। तो कुछ ट्रिक्स यहाँ बता रहा हूँ मैं, है ना। पहली ट्रिक से 41 से 49, 41 से 49 तक के संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करना है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं अपने 44, 44 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप 50 में से 44 को घटा लेंगे तो डिफरेंस आएगा 6, ठीक है। इसके बाद 50 के आधे हैं यानी कि 25, 25 में से 6 घटा लेंगे जो डिफरेंस आया था अपने पास, तो प्राप्त होता है 19। और जो डिफरेंस आया थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो डिफरेंस आया था 6 उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो 6 स्क्वायर यानी 36। तो अपने पास आंसर क्या आया, सेकंड स्टेप का 19 और थर्ड स्टेप का 36, ये अपने पास स्क्वायर आई। तो 44 स्क्वायर बराबर 1936। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन, 47 स्क्वायर। तो 47 स्क्वायर के लिए क्या करेंगे कि 50 में से 47 घटा लेंगे उसी तरह, तो अपने पास डिफरेंस आया 3। अब क्या करेंगे, 25 में से 3 को घटा लेंगे तो 22 सेकंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में वही 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो अपने पास आया 09। सेम वैसे ही कर लेंगे अपन, सेकंड स्टेप का 22 और थर्ड स्टेप का 09, ये आंसर आ गया अपने पास 47 स्क्वायर का। चलो एक और देख लेते हैं अपन, दूसरी ट्रिक देखते हैं, 51 से 59 तक के अंकों का स्क्वायर कैसे करना है। तो वो एग्जांपल के लिए 53 देख रहे हैं अपन, 53 का स्क्वायर के लिए सेम जैसे उसमें डिफरेंस निकाली थी ऐसे ही 53 में से 50 घटा लेंगे और डिफरेंस आई 3, तो इसमें भी वैसे ही करना है पर इसमें प्लस करना है। जैसे यहाँ अपन ने 25 में से 6 घटाई थी, डिफरेंस घटाया था, वैसे यहाँ डिफरेंस जोड़ना है क्योंकि 50 से ऊपर की संख्याएं हैं। तो 25 प्लस 3 बराबर 28, और थर्ड स्टेप में सेम उसी तरह डिफरेंस का स्क्वायर करना 09, तो अपने पास क्या आ गया 28 09, ये हो गया अपने 53 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं 56 के लिए, 56 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, वैसे ही डिफरेंस निकालेंगे, 56 माइनस 50 6, और डिफरेंस को फिर जोड़ देंगे, 25 प्लस 6 बराबर 31, और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे 6 का स्क्वायर कर लेंगे डिफरेंस का, तो 36। तो अपने पास क्या आ गया आंसर 31 36, ये अपने पास 57 6 का स्क्वायर आ गया 31 36। चलो अपन अब तीसरी ट्रिक देखते हैं स्क्वायर्स में, जैसे कि अपन को 91 से 99 तक के अंक दिए हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें भी वैसे अपन को डिफरेंस निकालनी है ना, लगभग मिली हुई ट्रिक है, सारी एक जैसी है। इसमें से 100 में से 96 घटाएंगे, डिफरेंस आया 4। अब 96 में से 4 को डबल घटाएंगे, उसमें क्या किया था अपन ने कि आधा करके 25 और उसमें से घटाया था, अब इसमें क्या करेंगे अपन, या थोड़ा सा चेंजेस है। तो अपने जो अंक प्राप्त है अपने पास 96, उसमें से डिफरेंस को घटा लेंगे तो आया अपने पास 92, और थर्ड स्टेप सेम है, डिफरेंस का स्क्वायर कर लेंगे तो अपने पास क्या आ गया 92 16, ये तो 96 का स्क्वायर क्या आ गया 92 16। वैसे अपन स्क्वायर करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक इसी तरह से एग्जांपल लेते हैं 101 से 109 तक की, जैसे कि एग्जांपल के लिए 107 ले लिया अपन ने। तो 101 से 109 तक की ट्रिक के लिए क्या करेंगे अपन, वैसे ही डिफरेंस निकालनी है, 107 माइनस 100 बराबर 7 की डिफरेंस आ गई,
अब इसमें 107 में 7 जोड़ना है, जैसे यहाँ पे अपन ने 96 में से 4 घटाए थे वैसे यहाँ 107 में 7 जोड़ना है, तो क्या आता है 114। और थर्ड स्टेप सेम, 7 का स्क्वायर करना है 49 आएगा, तो अपने पास आंसर क्या है, क्या 114 और 49, ये 107 का स्क्वायर प्राप्त हो गया 114 49। अच्छा एक और स्क्वायर की जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनमें मैं आपको बता दूं कि बहुत सी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बड़े अंक दिए जाते हैं जिनमें लास्ट में 5 होता है, जैसे कि 115 दे दिया, 1105 दे दिया, 135 दे दिया, 215 दे दिया, इनका स्क्वायर करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके लिए एक क्या ट्रिक है जिसके लास्ट में 5 डिजिट हो उसके लिए, जैसे कि 195 का स्क्वायर करना अपने को, है ना, 5 जो है लास्ट का उसे छोड़ देना है, अभी आगे क्या है 19, तो 19 गुणा 19 प्लस 1 यानी कि 19 गुणा 20 बराबर 380, और पीछे क्या करना है कुछ भी नहीं करना, 25 लिख देना है, ये आंसर आ गया 195 का स्क्वायर 380 25। ऐसे 215 आ गया, तो 215 के लिए भी वही सेम करना है, 5 को पहले छोड़ दो, 21 के लिए क्या करेंगे 21 गुणा 21 प्लस 1 यानी 21 गुणा 22, तो 21 गुणा 22 करेंगे 21 दो 42 का 2 हासिल का 4, 21 दूना 42 और 4 46, तो 462, इसमें भी सेम करना है 462 आ गया, और आगे 25 लिख देना है, ये आपके 215 का स्क्वायर आ गया। इसके लिए एक और जो अपने को ऑप्शनल आते हैं, ये क्वेश्चन क्या ऑप्शनल आते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दे दिया आपको 195 का स्क्वायर करना, तो इतनी कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं, आपको दिए कि 122 हो गए, 215 हो गए, मतलब 1112, 1215, 2325 और 380 25, ऐसे आंसर दे दिए ना, तो इसमें क्या है कि अपने को लास्ट का 25 देखना है, जिनमें भी अंक में लास्ट में 5 आ रहा ना, उनमें लास्ट में अपन क्या लिख रहे हैं 25, तो एक जो भी अपने पास ऑप्शन आते हैं इसमें लास्ट में जिसमें 25 अगर एक ही में आ रहा है तो फिर तो डायरेक्ट राइट लगा देंगे, नहीं तो अपन ट्रिक से कैलकुलेशन करके देख लेंगे। तो ये स्क्वायर तो अपने कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या है कि बहुत सी बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि जैसे कि ये आ गया देख लो आप, 240 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है, तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए ट्रिक है कि 240 को सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे यानी छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे, छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए क्या सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे इसको, है ना, 2 से करेंगे तो 120 आ गया, 2 एक बार आए, फिर एक बार और करेंगे तो 60 आ गया, 2 एक बार और लिख देंगे, फिर एक बार और करेंगे 30 आ गया, 2 एक बार और लिखेंगे, फिर एक बार और करेंगे तो 15 आ गया, अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, तो 4 बार तो 2 आ गया अपने, इसके बाद इसमें 3 का देंगे, 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का देंगे नेक्स्ट बड़े अंक का, 3 और 5 15, 3 का कितनी बार गया एक बार, फिर 3 का भी नहीं जा रहा इसमें 5 का भाग जाएगा, इसके बाद 5 भी एक बार, तो ऐसे टुकड़ों में लिख लेंगे इसे गुणनखंड में, उसी अंक को गुणनखंड में लिख लेंगे। अब करना क्या है कि ये काउंट करना है अपने को, 2 कितनी बार आ रहा है 4 बार, 3 कितनी बार आ रहा है एक बार, और 5 एक बार, अब इन सब में एक एक जोड़ लेना है, 4 और 1 5, 1 और 1 2, 1 और 1 2, अब इनको आपस में गुणा कर दो, है ना, 5 दूनी 10 और 10 दूना 20, तो कुल मिला के कितने आए अपने पास 20, तो 240 को कुल 20 ऐसे अंकों से भाग दिया जा सकता है जिनसे पूरा पूरा भाग जाता है 240, ये ऐसे कर सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत जल्दी कर दोगे, अभी मैंने समझाने के हिसाब से धीरे धीरे बताया है, नहीं तो ये इजीली आप 5-10 सेकंड में कर सकते हो। कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, हल करो 1/1 × 1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4, ऐसे करके एक सीरीज दे देते हैं 1/75 × 76 प्लस 1/76 × 77, तो ये है काफ़ी लेंथी क्वेश्चन लगता है, इसको हल करना भी मुश्किल लगता है, तो इसके लिए क्या एक ट्रिक है,
ट्रिक क्या है कि हम 1/1 × 2 ऐसा जो आता है ना अंक, उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/1 − 1/2। 1/1 × 2 को हम 1/1 − 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह इन सारे अंकों को लिख लेंगे अपन। तो फर्स्ट के लिए क्या हुआ, 1/1 − 1/2। अब सेकंड 1/2 × 3 के लिए क्या हुआ, 1/2 − 1/3। ऐसे ही सबके लिए कर लेंगे। तो ये ऐसे अपन ने सबके लिए कर लिया है ना, सीरीज बना दी एक पूरी। अब इसमें अपन क्या देखेंगे कि सेकंड वाला −1/2 और थर्ड वाला +1/2 आपस में कट रहे हैं। ऐसे इसमें −1/3 + 1/3 ये भी आपस में कट रहा। ऐसे सारे अंक लास्ट में कट जाएंगे, जैसे 1/76 − 1/76 + 1/76। लास्ट में क्या बचता है अपन, फर्स्ट वाला 1/1 − लास्ट वाला 1/77। ठीक है, बाकी सब तो बीच में कट गया आपस में। तो इसको अपन हल कर लेंगे अब। तो इसके हल करने के लिए 77 और इधर 77 − 1 = 76/77, ये आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगर कभी आता है तो इसमें अपन को ये देखना है कि लास्ट जो अंक आता है ना, इसके जो अपने को ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि ऐसे दे दिए कि 72 + 75 या 71/72 या 75/76 और 76/77, ये ABCD में चार ऑप्शन दे दिए। तो अपन को इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जो लास्ट अंक होता है ना ऐसी सीरीज में, जो लास्ट अंक होता है 77 है जैसे कि, तो जिसमें नीचे 77 आना चाहिए ये आपका आंसर रहेगा। जो लास्ट अंक है वो बटा में आना चाहिए। तो ये ऐसे सीरीज अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसे कर देते 70। मान लो कि इसको यहाँ तक ना हो कि 1, ये यहाँ पे 1/75 × 76 यहाँ तक ही सीरीज होती, तो अपने पास यहाँ क्या आ जाता है, 75/76, लास्ट डिजिट है वो नीचे आता 76 में, ये वाला आंसर सही रहता भी। ठीक है, ये तो अपना अंक वाला चैप्टर आज पूरा हो गया है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे घातांक के नियम। अपन मैट्रिक्स में सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अब घातांक के क्या नियम होते हैं, घातांक कैसे जुड़ती है, कैसे घटती है, या घातांक के गुणा भाग कैसे होते हैं, वो हम नेक्स्ट ट्रिक में समझेंगे।